तेरी नजर ने क्या कर दिया मुझसे ही मुझको। हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शराब सेंटर पे। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एनिवर्सरी के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, जिससे आप किसी की भी फोटो से इस तरह के एनिवर्सरी स्टेटस एडिटिंग कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप अपनी फोटो से या किसी की भी फोटो से अगर आप इस तरह के एनिवर्सरी स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, वरना आप इस तरह की वीडियो सही से बना नहीं पाएंगे गाइस। सो गाइस, इस तरह की स्टेटस बनाने से पहले आपको कर देना मेरी वीडियो को एक लाइक, और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की और भी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस, चलिए इस तरह की स्टेटस बनाना सीख लेते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेटस बनाना सीख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ये प्लस ऑप्शन दिख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपकी वीडियो की साइज़ शो हो रही है, तो आपको यहाँ से 16:9 की रेशियो को सेलेक्ट करना है। तो आपको इस रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। इस रेशियो को सेलेक्ट करने के बाद ये आपकी गैलरी पर रिडायरेक्ट करेगा। तो आपको यहाँ से क्या करना, कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कुछ इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे गैलरी से कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको इमेज को अच्छा से एडजस्टमेंट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज की लेयर पे आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा उंगलियों से ऐसे जूम कर लेना है, उसके बाद एंड पोजिशन पर यहाँ पर क्लिक करना है, और थोड़ा ज़्यादा करके यहाँ पर जूम कर लेना है, और ऊपर राइट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज की लेयर पर फिर से क्लिक करना है, फिर से आपको यही ऑप्शन पर क्लिक करना है, बराबर पर टिक करना है, और एंड पोजीशन पे क्लिक करना है, और इस तरह दो उंगलियों से जूम कर लेना है, और ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जितने भी इमेजेस आप देख पा रहे हैं, सबको इसी तरह से सेम प्रोसेस पे आपको कर लेना है। तो मैं सारे को इस तरह से जूम कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे सारे इमेजेस को मैंने एडजस्टमेंट कर लिया है। तो यहाँ पे बीच बीच पे जो प्लस ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो आपको इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन इफेक्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है, हीट एंड ब्रिक। तो ये वाला इफेक्ट अगर आपके मोबाइल पे नहीं है, तो गाइस आपको स्लाइड करके नीचे आना है, यहाँ पे गेट मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से इसे डाउनलोड करने लगा। लेकिन उसके लिए आपके मोबाइल पे नेट ओपन होना ज़रूरी है। तो आपको इस इफेक्ट को यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इसे ऐड कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट वाला इफेक्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और ऊपर राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्लस पे फिर से क्लिक करना है, फिर से वही हीट एंड ब्रिक पर क्लिक करना है, और सेकेंड वाला इफेक्ट ले लेना है। तो यहाँ पे जितने भी प्लस ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, सारे को वही हीट एंड ब्रिक इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है सीरियल बाय सीरियल। तो मैं सारे को फटाफट ऐड कर लेता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सारे को वही हीट एंड ब्रिक इफेक्ट ऐड कर लिया है। उसके बाद इमेजेस की लेंथ को आपको थोड़ा सा कम कर लेना है। तो मैं इस तरह से लेंथ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, वरना लेंथ काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो गाइज, मैंने यहाँ पे सारे इमेजेस की लेंथ कम कर लिया, उसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपको इसे सेव करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे एक्सपोर्ट बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइज, ये वीडियो आपकी गैलरी पर सेव हो चुका है। तो आपको दो बार बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वही 16:9 रेशियो लेना है। इस रेशियो लेने के बाद आपको क्या करना है, जिस वीडियो को भी आपने एक्सपोर्ट किया था, उसे आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे, मैंने उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो की लेयर पर क्लिक करना है, और स्लाइड करके आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विग्नेट, तो इसे आपको इनेबल कर देना है, और ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लेयर पे टच करना है, इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ से एक ब्लर इफेक्ट ऐड करना है। तो बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करना है, और ये फर्स्ट वाला ब्लर इफेक्ट यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, और इसे इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है, और इसकी सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से इसे आपको 4 पॉइंट पर रख लेना है, और इसकी लेंथ वीडियो के बराबर कर देना है, और वापस से आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर चले आना, ऊपर राइट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट ऐड करना है। तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना गाइस। तो उसके लिए आपको लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट आपको ऐड कर लेना है। तो मैं एक ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे गाइस, मैंने टेम्पलेट ऐड कर लिया है। तो आपको इसे फुल स्क्रीन करना है, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना, और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर देना है। कुछ इस तरह से ये फुल स्क्रीन हो गया। उसके बाद आपको ऊपर राइट पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट पे फिर से क्लिक करना है, और राइट साइड पे आपको स्लाइड करके नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, तो इसे आपको
स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना यहाँ से और ऊपर राइट पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको इस फ्रेम पे वीडियो को ऐड करना, तो उसके लिए आपको फिर से लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और जिस वीडियो को सबसे पहले आपने एक्सपोर्ट किया था उसे यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। सो गाइस, मैंने इस वीडियो को यहाँ पे ऐड किया है, तो इसे इस तरह से रोटेट कर लेना है। फ्रेम के हिसाब से आपको इसे स्मॉल कर लेना पहले थोड़ा सा, और इस तरह से रोटेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अच्छा से एडजस्ट करना है। तो मैं इसे बड़ी बारीकी से ऐड कर लेता हूँ, वरना सही से ऐड नहीं हो पाएगा गाइस। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे, मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थ्री डॉट, वो एक ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए टेम्पलेट सबसे ऊपर आ चुका है और अब आपको ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ तक मेरी वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ पे एक मैं इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट ऐड करूँगा, तो उसके लिए आपको लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से एक लाइटिंग इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से उसे आप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। तो मैं इसे यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे, मैंने लाइटिंग इफेक्ट को ऐड कर लिया। तो इस ऑप्शन का आपको क्लिक करना है और फर्स्ट वाले इस ऑप्शन पर इसे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। तो ये कुछ तरह इस तरह से फुल स्क्रीन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर लाइटिंग इफेक्ट पे क्लिक करना है और स्लाइड करके नीचे चले आना, यहाँ पे और ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना और स्क्रीन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे एक सर्कल आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एक इमेज आपको ऐड करना है। तो आपको लेयर पर टच करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से आपको एक इमेज ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, आपको भी इसी तरह से इमेज ऐड कर लेना है। तो इसे स्मॉल कर लेना कुछ इस तरह से और आपको स्लाइड करके यहाँ पे क्रॉपिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और मास्क इनेबल करना है, शेप ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से सर्कल वाला शेप आपको ले लेना है और इसे सर्कल पे अच्छा से आपको एडजस्ट करके रख लेना है। सर्कल कुछ इस तरह से ऐसे रखना है और थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना आपको और ऊपर राइट पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह सर्कल पर ऐड हो गया। तो आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर सेट कर लेना है इस सर्कल पर। तो ये इस तरह से सेट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी लेंथ वीडियो के बराबर आपको कर लेना है और स्टार्टिंग पॉइंट पे आना और स्लाइड करके नीचे आना, यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, फाइनली यहाँ पे मेरी वीडियो क्रिएट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे, वीडियो पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, देखने में बड़ा ही मस्त लग रहा है। तो ऐसे ही काइन मास्टर से इस तरह की एनिवर्सरी स्टेटस एडिटिंग आप कर सकते हो गाइस। और एक्सपोर्ट करने के लिए गाइस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद नीचे एक्सपोर्ट बटन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। ये आपकी फाइल पे बड़ी आसानी से सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते मेरी वीडियो को कर देना एक लाइक, और अगर चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की और भी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। गाइस, मैं हमेशा आप लोगों के इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, हर तरह की एनिवर्सरी स्टेटस, बर्थडे स्टेटस, व्हाट्सअप स्टेटस, फैमिली स्टेटस, जितनी भी स्टेटस है मैं सारी स्टेटस आप लोगों के बनाता रहता हूँ गाइस। तो मेरे चैनल को कर दीजिए गाइस सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। तो गाइस, मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।